राजधानी के जयपुरिया अस्पताल में आज नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। जयपुर सिटीजन फोरम के सहयोग से लगाए गए इस प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत ने कहा कि प्लांट लगने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट का जो शिलान्यास किया गया है JCF संस्था के द्वारा किया गया है, उनके जन सहयोग से किया गया है, और भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़े तो, और जयपुरी अस्पताल को जो चुना जो कोविड महामारी के लिए लड़ रहा है, हमारा पूरा स्टाफ इसके लिए प्रशंसनीय है। कि ये प्लांट बिल्कुल अत्याधुनिक प्लांट है जो कि विदेश से मंगाया गया है, टर्की से इसका इम्पोर्ट किया गया है, और जैसा मुझे बताया गया इसमें लागत तकरीबन 80 लाख रुपये करीब खर्च हुआ है। जहाँ तक प्लांट की क्षमता का सवाल है, इसमें ये बताया गया मुझे करीब करीब 49 सिलेंडर आएंगे, इससे निकलेंगे प्रतिदिन। तो हमारे जो ICU बेड्स हैं या वार्ड में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके ऑक्सीजन की गंभीर बीमारियां, जो हार्ट से चेस्ट से रिलेटेड हैं, लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हैं, कोविड में आपने देखा ही है, ऐसी बीमारियों का हम उन मरीजों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे आने वाले समय में।